वेलकम बैक टू अवर सीबीटी यूट्यूब सुपरग्रेट्स चैनल। आई एम शिखा एंड आज के वीडियो में हम कुछ सीबीटी 2023 के बैकअप ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीबीटी एग्जाम से आप अपना फोकस हटा दो या उसकी प्रिपरेशन कम कर दो। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू कि ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं या ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अभी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनगोइंग रखे हैं, जो सीबीटी के स्कोर्स के अलावा अपने खुद का एडमिशन प्रोसेस या एंट्रेंस टेस्ट रखती है। तो आई नो कपल ऑफ पीपल जो सीबीटी को टारगेट तो कर ही रहे हैं, बट ये वीडियो उन लोग के लिए है जो कुछ बैकअप ऑप्शंस रखना चाहते हैं, जो सीबीटी के अलावा भी जो कॉलेजेस हैं उनके अलावा भी काफी सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं या एटलीस्ट वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए। सो दिस वीडियो इज बीइंग मेड फॉर एवरीवन ऑफ यू हु वांट टू हैव अ बैकअप अपार्ट फ्रॉम सीबीटी एग्जाम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इज अ बिग यूनिवर्सिटी, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अ नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस चालू रखे हैं। सो हियर यू हैव द डेट फॉर द एडमिशंस प्रोसेस। 16th ऑफ अप्रैल से उनके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे एंड उनकी लास्ट डेट है 5th ऑफ मई। सो प्लीज बी वेरी अवेयर, आपके पास कुछ ही दिन का टाइम है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। नाउ एक बार हम उनके कोर्सेज की तरफ भी देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज डज दिस यूनिवर्सिटी ऑफर। सो यू हैव योर बीए ऑनर्स प्रोग्राम, योर बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम, योर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम एज वेल एज योर बीएस एंड बीटेक प्रोग्राम्स, इन पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो देयर आर बेसिकली 24 मेजर्स जो ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में या साइंसेज की स्ट्रीम में ऑफर किए जाते हैं अंडर दीज प्रोग्राम्स। अब लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्लास 12th का रिजल्ट, योर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम का रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मार्क्स आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे सबमिट करने हैं। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। प्लस देयर इज अ कैच फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, जो बीटेक कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, जो बीटेक कोर्सेज के लिए परस्यू कर रहे हैं, उनका फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनको अपने जेईई मेन के स्कोर्स प्लस उनके ऑल इंडिया रैंक जो भी आई है वो उनको सबमिट करनी है ड्यूरिंग देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द एंट्रेंस टेस्ट, दो पार्ट्स में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है। दैट इज फर्स्ट राउंड इज योर पर्सनल इंटरेक्शन विद द फैकल्टी, यानी कि ये बेसिकली एक इंटरव्यू राउंड है। सो देयर इज एन इंटरव्यू पैनल जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर पर्सनल इंटरेस्ट, वो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अबाउट द कोर्स यू आर टारगेटिंग एंड ऑल्सो योर डोमेन सब्जेक्ट जो आपके 12th में थे। देन सेकेंड राउंड इज योर पर्सनल रिटन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट में वो आपसे आपके बारे में जानने के लिए कुछ आपको टॉपिक देंगे जिसपे आपको शायद कोई एसे लिखना होगा या यू हैव टू पेन डाउन योर थॉट्स। सो बेसिकली बोथ दीज राउंड्स आर डन टू नो यू एज अ पर्सन। वो जानना चाहते हैं कि आपकी इंटरेस्ट क्या है एकेडमिकली प्लस व्हाट आर योर हॉबीज। नाउ एक बार अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सिनेरियो की तरफ देखते हैं। सो हियर यू कैन हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज come to recruit from Ahmedabad University. So companies like Accenture, they are there. Companies like Genpact, they are there. Companies like Nirma Limited or Nivea, Ahmedabad University mein recruitment ke liye aati hain. So these are big, big MNC firms. Also, yahan par unhone pie chart diya hai jahan pe unhone bahut clearly bataya hai ki kitne percentage of students have been placed in what sector. So 56%, that is the highest percentage of people have been placed in information and technology, that is the IT sector. IT ke baad the highest percentage is 14%, meaning 14% of the students have been placed in education and technology sector. उसके बाद 13% ऑफ द पीपल हैव बीन प्लेस्ड इन कोर, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा सेक्टर। देन कमिंग ऑन टू 9% कंग्लोमरेट, 5% इन कंसल्टिंग एंड रिसर्च एंड 3% इन ई कॉमर्स एंड रिटेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। लेट्स मूव ऑन टू द अदर।
दैट इज योर जिंडल ग्लोबल बिजनेस स्कूल। अब JGBS भी बहुत ही बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। JGBS इज वन ऑफ द 12 स्कूल्स ऑफ ओपी जिंडल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अगेन रिकग्नाइज बाय UGC। अब JGBS इज वेरी पॉपुलर फॉर द BBA ऑनर्स प्रोग्राम्स। पर प्रोग्राम्स पर जाने से पहले एक बार आप उनका एकेडमिक सेशन का डेट देख लो। सो 1st of August 2023 से एज पर देयर वेबसाइट उनके एडमिशन सॉरी उनके एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, विच मींस उनके एप्लीकेशन प्रोसेस इज स्टिल ऑन गोइंग। तो जल्दी से जाके अप्लाई करिए। अब एक बार कोर्सेज की बात करें तो टोटल 5 कोर्सेज दे ऑफर, विच आर BBA ऑनर्स इन मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड HR, BBA ऑनर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, BBA Honours in Financial Markets, BBA Honours in Family Business, and lastly Integrated BBA plus MBA program. अब इनका eligibility criteria is also the same as that of Ahmedabad University. It is compulsory for you guys to submit your class 12 scores. उसी के basis पे आप eligible होगे to come for the exams जो उनके personal entrances conduct होते हैं। अब वो है क्या exactly? So let's talk about the entrance exam. ये 3 राउंड्स में होगा, बेसिकली फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड इज क्वाइट इजी फॉर यू गाइस। यहाँ पे आपको बस अपना पर्सनल स्टेटमेंट देना है इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और वहां पे आपके 10th और 12th दोनों ही ग्रेड्स के मार्क्स आपको मेंशन करने हैं। देन सेकंड राउंड इज द ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट में एक चीज याद रखो कि JSAT करके उनका खुद का एक टेस्ट होता है जिसके लिए आप ऑनलाइन अपियर कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन योर CUET स्कोर और यू कैन ऑल्सो मेंशन योर SAT स्कोर्स। ये आपका सेकेंड राउंड रहेगा। देन थर्ड राउंड इज योर फैकल्टी इंटरव्यू। अगेन जैसे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के केस में हुआ था, एक इंटरव्यू पैनल रहेगा। दैट पैनल विल आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट योर पर्सनल सेल्फ एंड ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज अबाउट योर डोमेन्स जो आपके क्लास 12th में थे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर JGBS। यहां पर आप देख सकते हो कि 50 प्लस टोटल कॉर्पोरेट कंपनीज और MNC कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आई थी। 91% ऑफ द क्लास और द टोटल बैच वाज प्लेस्ड एंड हाईएस्ट पैकेज हैज गॉन अप टू 15 लाख। एक बार रिक्रूटर पोर्टफोलियो की तरफ भी देखते हैं, सो कंपनीज लाइक ICICI बैंक और HDFC और अब ग्रैड, दीज आर दी टॉप कंपनीज दैट कम फॉर रिक्रूटमेंट ओवर हियर। एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में या ओवरसीज की बात करोगे तो आपके पास सिंगापुर या एमिरेट्स जैसे कंट्रीज के में रिक्रूटमेंट का या प्लेसमेंट ऑफर का चांस मिलता है। Now moving on to the last university of this video, that is the Thapar University. Thapar University basically अपने BE या BTEC के programs के लिए बहुत famous है, but also आप दूसरे courses भी opt कर सकते हो, such as BA, BSc and BBA. अब eligibility criteria की तरफ देखते हैं, तो पहले एक बार BTEC की बात कर लेते हैं, because this is more famous for BTEC programs. 60% of aggregate marks is required in your physics, मैथमेटिक्स और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री हो सकता है या बायो हो सकता है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। आई विल रिपीट, 60% ऑफ मार्क्स या तो PCM में या तो PCB में फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। SC ST के लिए द सेम क्राइटेरिया इज 55%। अब दूसरे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी, दैट इज फॉर BA BSc एंड BBA की बात करते हैं, अगेन 60% ऑफ मार्क्स इन योर 12th ग्रेड फॉर जनरल, 55% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। एंड हाँ, उसमें से जो 5 सब्जेक्ट है आपके, मैंडेटरली 1 सब्जेक्ट हैज टू बी इंग्लिश। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गिव योर SAT स्कोर्स। अब SAT स्कोर्स में भी एक कैच है जो मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे भी 3 आपके राउंड्स रहेंगे। फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे अगेन आपको अपना पर्सनल स्टेटमेंट और अपने बारे में और आपके जो 10th और 12th के मार्क्स होते हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। देन यू हैव योर ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो मैं SAT की बात कर रही थी, अगर आपके पास वैलिड SAT स्कोर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन ऑल्सो स्किप द थापड़ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन टेस्ट। एक बार आई वुड सजेस्ट कि उनकी वेबसाइट पर जरूर जाना और इसके क्राइटेरिया के बारे में जरूर पढ़ना। अगर आपके पास SAT स्कोर्स नहीं है, देन यू हैव टू गिव द ऑनलाइन टेस्ट जो थापड़ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा। एंड लास्टली योर पर्सनल इंटरव्यू, अगेन द सेम प्रोसेस, some questions about your personal self to test your personality and some other technical questions about the domain subjects which you had in your class 12th.
एंड फॉर बीटेक स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आपको अपने जेई मेन के स्कोर प्लस योर ऑल इंडिया रैंक सबमिट करनी है फॉर एंट्रेंस टेस्ट. अब एक बार लास्ट ईयर थापड़ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की तरफ भी देखते हैं तो एज यू कैन सी 55 लाख हैज द वाज द हाईएस्ट पैकेज दैट हैज गॉन इन दिस यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है. एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो एक बार मेजर रिक्रूटर्स की तरफ भी नजर डालो. सो कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स और एमेजॉन जैसी बिग बिग एमएनसी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है. नाउ देयर आर सम अदर न्यू रिक्रूटर्स व्हिच हैव ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग टू द यूनिवर्सिटी जैसे कि एयरबीएनबी और एनरॉन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एंड द अदर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. अब वीडियो के एंड हो रही है ना, जस्ट वॉन्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो स्टूडेंट्स को सीवीटी से हटाने का मकसद से नहीं बना था, बस ये एक स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है ताकि आपको पता रहे कि सीवीटी के अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो. सो डू लेट मी नो कि क्या इस यूनिवर्सिटी का पार्ट टू पार्ट थ्री बनना चाहिए कि, मतलब मैं और यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताऊं जो अपने एप्लीकेशन अभी कंडक्ट कर रहे हैं या जो फ्यूचर में जाके अपने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम सीवीटी जिनमें आप टारगेट कर सकते हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.